नालागढ़ के राजपुरा में देर रात चोरों ने एटीएम लूट को अंजाम देने की कोशिश की। घटना देर रात करीब 2 बजे की है, जब 4 युवक राजपुरा स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस गश्त पर आई और देखा कि एटीएम का शटर आधा अधूरा खुला है, जहां कोई छेड़छाड़ कर रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए युवकों को पकड़ने की कोशिश की तो एक युवक ने तलवार से हमला कर दिया। गनीमत रही कि गाड़ी चालक बार बार बचा। पुलिस ने मौके पर एक युवक को दबोचा, जबकि 3 युवक फरार हो गए। आरोपी की पहचान कमलजीत सिंह पुत्र अमरीक सिंह निवासी कोटला कला पावर हाउस आनंदपुर साहिब पंजाब के रहने वाले के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा पूछताछ में आरोपी युवक ने अपने साथियों के नाम बताए, जिसमें जसविंदर सिंह व मनदीप सिंह निवासी नूरपुर बेदी पंजाब व चौथा युवक गुरदीप सिंह ऊना का रहने वाला है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। पिछली रात हमारी टीम पेट्रोलिंग पे थी, करीब 2:15 बजे रात का वक़्त था। तो जब हमारी टीम राजपुरा में एक्सिस बैंक के पास पहुंची तो हमारी टीम को ये लगा कि जैसे एटीएम में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, शटर आधा खुला था। जब जैसे ही हमारी गाड़ी वहाँ पर रुकी तो 4 आदमी वहाँ से भागे, चारों नवयुवक थे और 3 तो भाग गए। और इन्होंने वहाँ से मौका से कुछ ही दूरी पे 2 मोटरसाइकिल रखे थे, वो ऑलरेडी स्टार्टिंग मोड पे रखे थे और हमारे लोगों ने पीछा किया तो जो हमारा ड्राइवर है बलविंदर सिंह, उसके ऊपर एक जो ये सिख युवक है, इसने तलवार से हमला किया। पर शुक्र गनीमत ये रही कि जो हमारा लड़का था ये बच गया, इसको कोई चोट नहीं आई है। इसको भी करीब 300 मीटर आगे जाके दबोचा। बाकी के जो 3 थे वो मोटरसाइकिलों के ऊपर भागने में कामयाब रहे। और जिसको हमने पकड़ा, इसका नाम कमलजीत सन ऑफ अमरीक सिंह, ये कोटला कला जो पावर हाउस है आनंदपुर शाह में, उसके पास का रहने वाला है। और जो इसके साथी थे जो मौका से फरार हो गए थे, ये जसविंदर सिंह और मनदीप सिंह, ये नूरपुर बेदिया के हैं। और एक और जो चौथा आदमी है इनके साथ है गुरदीप सिंह, ये ऊना महतपुर के पास का है ये रहने वाला। और हमने इनको पकड़ लिया और अभियोग जो हमने पंजीकृत कर दिया है, आगे की जो तफ्तीश है वो जारी है। इसके अलावा हमने ये देखा कि जैसे हम रात को पेट्रोलिंग पे निकलते हैं तो लोगों ने अपने मोटरसाइकिल, अपने स्कूटर अनक्लेम्ड सड़कों के किनारे खड़े किए होते हैं या अनसेफ जगहों पे खड़े किए होते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया है, कई तरह के लोग आते हैं, पंजाब का बॉर्डर यहाँ पर लगता है, बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है। तो नेचुरली है कि जो संदेहजनक लोग हैं उन लोगों की भी गतिविधियाँ रहती हैं। हर जगह हम लोग नहीं हो सकते, ये फिजिबल नहीं है। हमारी कोशिश, ब्लॉक कोशिश करने के बावजूद भी बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सेटअप यहाँ पर है। तो आपके चैनल के माध्यम से मेरा लोगों से आग्रह रहेगा कि जो अपने स्कूटर मोटरसाइकिल वगैरह हैं उनको सेफ कस्टडी में रखा करें रात के वक़्त। बल्कि मैं रात के वक़्त नहीं, मैं तो ये बोला करूँगा कि दिन को भी सेफ कस्टडी में इनको रखें। इसके अलावा मैंने पहले भी आग्रह किया था आपके चैनल के माध्यम से, आज मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें से हमें कुछ नवयुवक जो वॉलंटियर हों जो हमारे साथ आएँ। तो SP साहब ने भी मुझे आदेश दिए कि अगर ऐसे कुछ वॉलंटियर हैं तो उनको आगे लाया जाए और SP साहब की तरफ से उनको हम बाकायदा एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे, जो पुलिस के कार्यों में और इस तरह के जो संदिग्ध लोग हैं उनकी गतिविधियों के ऊपर नज़र रखें। उज्जवल हिमाचल के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलह।